11 अगस्त को पहली बार जींद की चौधरी रणबीर यूनिवर्सिटी में आर्मी मेले का आयोजन होने जा रहा है। इस मेले के जरिए हरियाणा के युवाओं को सेना के प्रति मोटिवेट किया जाएगा। सेना के अधिकारी स्कूली और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आर्मी के बारे में जानकारी देंगे। ये तस्वीरें देश के शौर्य का प्रतीक है। ये तस्वीरें देश का गौरव है। ये तस्वीरें देश की आन बान शान है। जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में 11 अगस्त को पहली बार आर्मी मेला का आगाज होने जा रहा है। इस मेले में सेना के युद्धपोत टैंकर और राइफल समेत कई हथियारों की प्रदर्शनी होगी और इस मेले के जरिए प्रदेश के युवाओं को आर्मी का महत्व बताया जाएगा। देश के जवानों की बहादुरी की कहानी सुनाई जाएगी। दरअसल इस आर्मी मेले का मकसद ही युवाओं को आर्मी के प्रति आकर्षित करना है। एक मेले का आयोजन भी साथ साथ किया है ताकि यहाँ के यूथ को पता लगे कि आर्मी क्या है। टैंक्स गन्स वहाँ लगी हुई सामने ग्राउंड में आप देख सकते हैं और यहाँ के यूथ बच्चे बच्चियों को टैंक पर राइड दिया जाएगा और सीनियर ऑफिसर्स भी उस दिन आएंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे बच्चा या बच्ची मोटिवेट होगा। मेले में आर्मी के ऑफिसर्स स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को इन हथियारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये कैसे चलते हैं, युद्ध के वक्त कैसे काम करते हैं और इनका इतिहास क्या है, तमाम जानकारियां बच्चों को दी जाएंगी। इसके अलावा इस मौके पर कश्मीर के पंपौर में शहीद होने वाले जींद के जांबाज पवन खटकड़ की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। कैप्टन पवन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की उसकी भी हम याद करेंगे उसको और उसके पेरेंट्स को भी हमने बुलाया है और मुझे पूर्ण आशा है कि इस शहीद को एक अच्छे तरीके से सम्मान दिया जाएगा 11 तारीख को 3 बजे। 3 दिन तक चलने वाले इस आर्मी मेले में सेना के बड़े बड़े अफसर शामिल होंगे। इस मेले को देखने जींद के सभी स्कूलों के बच्चे आएंगे और हजारों युवाओं को सेना के अधिकारी भारतीय सेना का महत्व बताएंगे और उन्हें देश सेवा के प्रति मोटिवेट करेंगे। राजकुमार गोयल, जी मीडिया, जींद।